हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, नेवी AASSR 2019 का 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट शिफ्ट में कुछ सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूज कर दिए थे, तो इसलिए कुछ बच्चे खफा हो रहे होंगे मेरे क्वेश्चन से, बोल रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आया नहीं फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक मिले हैं सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस, तो मैं उसमें मतलब जो मिक्सअप कर दिया हूँ, तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सभी क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सभी के सभी आपको PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा आप। और वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल से एग्ज़ाम आएगा आपका MR का, तो MR का चार शिफ्ट होता है, तो पहले से आप बता दीजिएगा कि हम कब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है MR का और कितने बजे तक ख़त्म होगा, ताकि मैं जितने भी शिफ्ट है सभी का जो एनालिसिस है पूरा बैक टू बैक करते रहूं और आपको जो वीडियो सबसे जल्दी प्रोवाइड करते रहूं। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में एनक्लोज कर दिया था, यहाँ पर बेल्जियम की मुद्रा पूछी गई थी, उसमें ये सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन सब हैं, तो आप देख लीजिए, यूरो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जिप का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। अभी देखिए, मैं आज रात को बहुत सारे फुल फॉर्म्स लेके आऊँगा, वो फुल फॉर्म की क्लास आपको लेनी है, कम से कम 100 से 150 जो फुल फॉर्म आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो वो फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेवी SSR या MR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो अगर 100 या 150 या 200 या 500 हो, आप ज़रूर उसको लगा लीजिए, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो ना आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत बच्चे फुल फॉर्म मैंने देखा है कि पूरा एग्ज़ाम में फुल फॉर्म 3 से 4 या 5 करके भर के रखा है, तो इसलिए फुल फॉर्म के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, तो याद रखिएगा उस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिप का फुल फॉर्म जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था, तो 1961 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 120 99 80 63 48, देखिए इसमें कितने कितने का कटौती हो रही है, कटते कटते ये देखिए कितना आ गया आंसर, 35। बहुत ईजी है, करके देखिए, नया ना हो सके तो मैं कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन पूरा डेफिनेशन के साथ कर दूंगा। ठीक है, अभी STD का फुल फॉर्म जो मैंने बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट में ही करा दिया मैंने इसको, इस क्वेश्चन को, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के खुद राष्ट्रपति करते हैं। कल्मिनेशन, ये भी मैंने बताया कि इसका भी एंटोनिम्स मैंने बता दिया कि नादिर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशोक चक्र पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, तो 4 जनवरी 1952 ईस्वी में अशोक चक्र पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। चंद्रयान 2, ये शायद क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नहीं आया था, फिर भी मैंने इसको लिख दिया है, ताकि जो देखिए नेक्स्ट दिन के क्वेश्चन में MR के क्वेश्चन एग्जाम में शायद ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो शायद ये पूछा जा सकता है, इसको एक बार रिविज़न कर लीजिएगा। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसरो से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। रानी का वाव, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हर एक एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है, चाहे आप चाह के भी कोशिश करें कि ना आए ना आए, लेकिन ये आएगा ही ज़रूर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है ना डिफरेंस बिटवीन, एंगल कितना बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराड पर मिनट क्या हो जाएगा, फेराड पर मिनट, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा आंसर, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखिए एक बार पढ़ लीजिए सर अच्छे से, ठीक है ना, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन जो होता है वो कम जाता है। ठीक है, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना पूछा गया था, तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिनोनिम्स ऑफ प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस का सिनोनिम्स हो जाएगा फोकस, प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पूछा था,
एक बार देखिएगा आर्मी का कैप्टन नेवी के किस रैंक के इक्वल होता है, आर्मी का कौन सा कैप्टन नेवी के किस रैंक के इक्वल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा के बाद बारे में बात करें तो 552 सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा की 250 सीटें हो जाएंगी अभी फिलहाल की। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो देखिए चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। इंडोनेशिया के कैपिटल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका जकार्ता हो जाएगा। और एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर अपसाइलेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा था, तो ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीडीएक्स ऑफ साइन 2x साइन 4x, तो ये इसका आप कर सकते हो u/u × v। याद रहे फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूँ, डीडीएक्स ऑफ एक्स का मिला के यू भी लगा सकते हो और इंटीग्रेशन का भी यू भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंसेस यही होती है, देखिए कॉस एक्स और का माइनस साइन एक्स हो जाता है और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन के क्षेत्र में होता है, ठीक है। करेंसी ऑफ ब्राजील, तो ब्राजीलियन रियाल हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, और एक ओरेकल में काम करता है, ठीक है ना। एक उबंटू में भी यूज़ होता है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज़्यादातर उबंटू सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ 10x² या पूछा गया था इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो चारों में से कोई दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे गए हैं, तो इंटीग्रेशन का एक पार्ट मैं बहुत ही अच्छे से कराऊंगा और वो पूरे के पूरे बच्चों करना होगा, कम से कम 50 से 60 या 100 क्वेश्चन कराऊंगा इंटीग्रेशन के, जो MR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या कल या परसों वीडियो आ जाएगी तो उस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, MR के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों तो ज़रूर लगा दीजिए उस वीडियो को, और मैं जो आज रात को फुल फॉर्म का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो आपका जो है ना दिमाग में रह जाए और जिंदगी भर ना आपके दिमाग से उड़े, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अभी अपलोड कर हो जाएगा। तो देखिए दो वॉइस से क्वेश्चन आए थे, वॉइस से और दो नरेशन से क्वेश्चन आया था, एक पंक्चुएशन का क्वेश्चन पूछा गया था, तीन प्रिपोजिशन थे और दो आर्टिकल थे और एक पैसेज था, तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पैरामीटर है जो क्वेश्चन बने थे। कॉन्जुगेट पूछा गया था 6+5i का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन कॉन्जुगेट में पूछा गया था कि कॉन्जुगेट ऑफ 6+5i इज होल स्क्वायर ऑफ होल उसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक बॉम्ब एक्सप्लोडेड ऑन द मून, देन हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू रीच बॉम्ब साउंड ऑन द अर्थ, तो सिंपल सी बात है अर्थ में कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अर्थ से मून का जो दूरी है बहुत ज़्यादा दूरी है, इसी कारण क्या होता है कि बॉम्ब जो एक्सप्लोड होगा मून में वो उसमें जो साउंड होगी वो अर्थ तक सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जहाँ तहाँ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।